गुज़श्ता सबक में हमने जार मजरूर की तरकीब शुरू की थी और मैंने आपको बतलाया था कि जार मजरूर जब भी कलाम में आ जाएं वो आठ चीजों में से किसी एक से जरूर मुताल्लिक होंगे और वो आठ चीजें कौन कौन सी हैं। नंबर एक फ़ेल, नंबर दो मसदर, नंबर तीन इसमें फाइल, नंबर चार इसमें मफ़ूल, नंबर पांच सिफत मुशब्बा, नंबर छः इसमें तफजील, नंबर सात मुबालगे के सीगे और नंबर आठ इसमें फ़ेल। तो ये आठ चीजें हर वक्त आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हर जुमले के अंदर तकरीबन जार मजरूर आते हैं, तो आपको पता होगा कि इसको किस से हम जोड़ सकते हैं और किस से नहीं जोड़ सकते हुए, तो ये आपके जहन में होने चाहिए। फिर जरा दोहरा लें, ये आठ चीजें कौन कौन सी हैं। नंबर एक फ़ेल है, नंबर दो मसदर, नंबर तीन इसमें फाइल, नंबर चार इसमें मफ़ूल, नंबर पांच सिफत मुशब्बा, नंबर छः इसमें तफजील, नंबर सात मुबालगे के सीगे और नंबर आठ इसमें फ़ेल। भाई तो ये आठ चीजें हैं भाई, और इनमें से अगर कोई जुमले में मौजूद हो तो जार मजरूर को उससे जोड़ेंगे, लेकिन आंखें बंद करके आपने नहीं जोड़ना बल्कि तर्जमे में और माना के अंदर गौर करना है कि ये इससे जुड़ता है या नहीं। और उसका तरीका यह है कि मुतअल्लिक और मुतअल्लक यानी जार मजरूर और जिससे जोड़ना चाहते हैं उन दो इनको निकाल लें, बाकी लफ्जों को खत्म कर दें और फिर तर्जमा करके देखें कि अगर तर्जमा ठीक है तो मालूम हुआ ये इससे जुड़ेगा और अगर तर्जमा ठीक नहीं होता मालूम हुआ ये इससे नहीं जुड़ेगा। जैसे कल की मिसाल आई थी अकरमतु रजुलन मिन कुरैशिन, तो ये मिन कुरैशिन अकरमतु से नहीं जुड़ रहा था क्योंकि अकरमतु मिन कुरैशिन मैंने इकराम किया कुरैश से, ये बात ही नहीं बनती, लिहाजा मालूम हुआ ये इससे नहीं जुड़ेगा। तो लिहाजा आपने गौर करना है, वो जार मजरूर इनको मुतअल्लिक कहते हैं और जिससे जुड़ें उसको मुतअल्लक कहते हैं, तो बाकी लफ्जों को खत्म कर दिया करें, सिर्फ मुतअल्लिक और मुतअल्लक को लेकर उनका तर्जमा किया करें। अगर तर्जमा ठीक हो जाए तो मालूम हुआ ये इसी से जुड़ रहा है और अगर तर्जमा ठीक ना हो तो मालूम हुआ ये इससे नहीं जुड़ेगा। लेकिन ये भी याद रखना कि हर जगह ठीक तर्जमा हो जाए उर्दू में ऐसा नहीं है, बाज जगह अरबी में एक हरफ जर किसी फेल वगैरह से मुतालिक होता है और तर्जमा उर्दू के मुताबिक ठीक नहीं होता, लेकिन वो कम जगहें ऐसी होती हैं, अक्सर जगह तर्जमा ठीक हो जाता है। फिर जब एक दफा आपको तरीका आ जाएगा फिर उसके बाद मजीद आप लुगत की किताबें उठाकर उसमें देख सकते हैं कि किस फेल के साथ कौन कौन से हरूफ जार्रा इस्तेमाल होते हैं, वहां आप देखेंगे मसलन बा लिखा है तो आगे लिखा होगा कि इसके साथ कौन कौन से हरूफ जार्रा इस्तेमाल होते हैं, और हरफ जर बदलता है तो माना भी बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? और तो मैंने आपको बतलाया था कि इन आठ में से अगर कोई जुमले में हो तो जार मजरूर को उससे जोड़ देंगे और अगर ना हो तो फिर महजूफ निकालना पड़ेगा, और जार मजरूर का मुतअल्लक अगर इबारत में जिक्र हो तो उसको ज़र्फ़े लग़्व कहते हैं, और अगर जार मजरूर का मुतअल्लक इबारत में मजकूर ना हो महजूफ निकालना पड़े तो इस जार मजरूर को ज़र्फ़े मुस्तकर कहते हैं। मुस्तकर इसमें ज़र्फ़ का सीगा है भाई, करार पकड़ने की जगह। चलो ये फिर अगर आगे किसी मौका मिला मैं फिर बयान करूंगा। तो ज़र्फ़े लग़्व और ज़र्फ़े मुस्तकर, फिर जब आप महजूफ निकालें तो वो महजूफ आप अफ़ाल आम्मा में से भी निकाल सकते हैं और अफ़ाल खासा में से भी। अफ़ाल आम्मा मशहूर चार हैं, कौन, सबूत, वजूद और हुसूल। कौन, सबूत, वजूद और हुसूल, इन सब का तर्जमा है होना, होना। तो कौन ये काना से है मस्तर, सबूत ये सबता से है मस्तर, और वजूद ये वजदा और वजीदा से क्या है मस्तर, और हुसूल हसला से मस्तर है। तो ये इनमें से आप चाहें तो फेल निकाल लें चाहे सिफत का सिगा निकाल लें, लेकिन इनमें से तीन जो हैं कौन, सबूत और हुसूल,
इनसे अगर आप फेल निकालेंगे तो फेल मारूफ, यानी कौन से काना, सुबूत से सबाता और हुसूल से हासाला, और अगर आप इनसे सिफत के सिगे निकालना चाहें तो इसमें फाइल निकालेंगे, जैसे कौन से काइनुन, सुबूत से साबितुन और हुसूल से हासिलुन, और अगर वजूद से आप निकालना चाहते हैं तो फिर उससे फेल निकालना चाहते हैं तो फेल मजहूल यानी वजीदा निकालेंगे, और अगर सिफत का सिगा निकालना चाहते हैं तो इसमें मफूल यानी मौजूदुन निकालेंगे। तरीका समझ में आ गया? तो ये अफाल आम्मा हैं, इन अफाल को अफाल आम्मा इसलिए कहते हैं कि हर फेल के अंदर इनका माना पाया जाता है। जैसे जाराबा जैदुन, देखो जाराबा जैदुन के अंदर जरब का सुबूत है, जरब का हुसूल है, जरब का वजूद है, और जरब का कौन है यानी होना, सबका क्या माना है, होना। इसी तरह अकाला जैदुन, अकल का माना खाना खाना, अकाला जैदुन, जैद ने खाया, इसके अंदर अकल का सुबूत है, अकल का हुसूल है, अकल का वजूद है, और अकल का कौन है यानी होना। बात समझ में आ गई? तो इसलिए इनको अफाले आम्मा कहते हैं कि हर फेल के अंदर इनका माना पाया जाता है। आप दुनिया का कोई भी फेल ले आए, जहां वो फेल पाया जाएगा वहां कौन भी होगा, सुबूत भी होगा, वजूद भी होगा और हुसूल भी होगा, जबकि बाकी अफाल अफाले खासा कहलाते हैं। मसलन जराबा, जराबा अफाले खासा में से है। मैंने कहा शरीबा, क्या इसके अंदर जरब है? शरीबा के अंदर जरब है? अकाला में जरब है? फर्रा में जरब है? नहीं। देखा, तो जराबा ये बाकी अफाल में नहीं पाया जा रहा। इसी तरह शुर्ब है, शुर्ब भी फेले खास है, हर फेल में ये नहीं होता। जराबा के अंदर शुर्ब है? नहीं। इसी तरह अकाला में नहीं है, फर्रा में नहीं। तो बाकी अफाल खास हैं, वो हर जगह हर फेल में नहीं होते, लेकिन ये चार हर फेल में होंगे, और इनका माना क्या है, होना होना। उसके बाद एक और कीमती बात मैंने आपको बतलाई थी कि नकेरा जो है, नकेरा के बाद अगर फेल आ जाए तो ये फेल उसके लिए अमूमन सिफत बनेगा। क्या बनेगा? सिफत बनेगा। इसी तरह नकेरा के बाद जार मजरूर आ जाए और वो किसी से न जुड़ रहा हो तो वो भी अमूमन उसके लिए क्या बनेगा, सिफत बनेगा। और नकेरा के बाद जार मजरूर आए और किसी से न जुड़ रहा हो तो आप बराह रास्त सिफत नहीं बनाएंगे, बल्कि पहले उसका मुतअल्लक निकालेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे और फिर सिफत बना देंगे। जैसे कल मिसाल गुजरी थी, अकरम तु रजुलन मीन कुरैशिन, मीन कुरैशिन जार मजरूर मिलकर किससे मुतालिक हुए थे, साबितन, क्योंकि रजुलन मौसूफ है तो साबितन भी क्या निकालेंगे, मनसूब। तो साबितन सीगा इसमें फाइल से मिलकर, और इसके अंदर हुआ जमीर जो मौसूफ को राजे, ये रबत भी आ गया, और इसमें फाइल अपने फाइल और मुतअल्लिक से मिलकर शिबे जुमला होकर सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मफूल बन गए थे। सूरत समझ में आ रही है? तो अगर नकेरा के बाद जार मजरूर आए तो वो उसके लिए अमूमन क्या बनेगा, सिफत, बशर्ते कि किसी से जुड़ ना रहा हो। तो पहले जोड़ने की कोशिश करनी, अगर ना जुड़े फिर उसको सिफत बनाए। इसी तरह नकेरा के बाद अगर फेल आ जाए तो वो भी उसके लिए सिफत बनेगा। किस तरह बनेगा, कि वो फेल अपने फाइल या नाइब फाइल से मिलेगा और मिलकर जुमला बनेगा, फेल अपने फाइल या नाइब फाइल से मिलकर जुमला बनेगा, और वो जुमला फिर उस नकेरा की सिफत बनेगा। लेकिन वहां यहां भी उसी तरह रबत भी चाहिए, रबत भी चाहिए, तो वो जुमला किसकी सिफत बन जाएगा, नकेरा की। और आपने पढ़ा है मौसूफ सिफत में तारीफ और तनकीर में मुताबकत जरूरी है। इससे एक और जाब्ता आपको समझ में आ गया कि पूरा जुमला नकेरा की सिफत बन जाता है। मालूम हुआ जुमला किसके हुक्म में होता है, नकेरा के हुक्म में। जुमला किसके हुक्म में, नकेरा के हुक्म में होता है, इसीलिए वो नकेरा की सिफत बनता है। तवज्जो है, बात समझ भी आई कि नहीं? नकेरा के बाद क्या आए, फेल, तो वो फेल अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर क्या बनेगा, जुमला, और जुमला बनकर वो उस नकेरा के लिए सिफत बनेगा।
और नकिरा के लिए सिफत नकिरा ही बन सकती है, मारिफा नहीं। मालूम हो यह जुमला किसके हुक्म में है? नकिरा। तो पहले भी मैंने एक बात बताई थी कि यह जुमला जो होता है यह मबनी होता है। जुमला क्या होता है? मबनी। तो मबनी पर एराब कैसे आता है? महलन। लिहाजा पूरा जुमला कहीं रफा के मकाम में आए तो आप कहेंगे ये मरफू महलन है। पूरा जुमला नसब के मकाम में आए तो आप क्या कहेंगे? जुमला मंसूब महलन है। और अगर जुमला जर के मकाम में आए तो आप क्या कहेंगे? कि ये मजरूर महलन है। और बाज औकात जुमले का कोई एराब नहीं होता। मसलन जराबा जैदुन, मैंने एक जुमला कहा जराबा जैदुन, आपसे कोई पूछे इस पूरे जुमले का एराब क्या है, आप कहेंगे इसका कोई महल एराब नहीं, ला महल लहू मिनल एराब। बात समझ में आ गई? पूरा जुमला अगर सिफत बनेगा, पूरा जुमला, तो सिफत पर वही एराब आता है जो किस पर होता है? मौसूफ पर। तो वहां जुमले पर एराब कोई ना कोई आएगा, लेकिन होगा महलन ही। तवज्जो है, जुमले के अंदर चाहे 10 मुअरब आ जाएं, लेकिन जब पूरा जुमला जुड़ जाएगा, मिल जाएगा, तो ये अब क्या बन गया? मबनी। और नीस क्या बन गया? नकेरा। मबनी भी है और नकेरा भी है। तो ये नकेरा की सिफत तो बन सकता है, मारिफा की सिफत नहीं बन सकता। और इस पर अगर एराब आए तो किस तरह का एराब आएगा? महलन आएगा। बात समझ में आ गई जी? आगे तरकीब कीजिए, लिखिए भाई। अकरमतु रजुलैनी, रजुलैनी मिन कुरैश। चलिए भाई तरकीब कीजिए। अकरमतु और फेल बाफाइल, शाबाश। अकरमतु फेल बाफाइल, शाबाश। इसके अंदर ताज़ ज़मीर मरफू महलन इसका फाइल। मैंने आपको बताया था जब फेल के साथ ज़मीर मुत्तसिल हो, चाहे बारिश हो चाहे मुस्ततिर हो, लेकिन ज़मीर जब उसके साथ ही है तो उसको कैसे ताबीर करना है? फेल बा फाइल जी। रजुलैनी मनसूब लफ्ज़न मफ़ूल, शाबाश जी। मनसूब क्यों? मफूल भी ही है। लफ्जन क्यों? इसके नसब पर हम तलफुज कर रहे हैं, करके दिखाओ। रजुलैनी, यहां तो मैं नून के नीचे जेर पढ़ रहा हूं, इसका अपना अपनी हरकत नहीं। यूं कहो ये नून की हरकत है, एराब नहीं है। फिर एराब क्या चीज है? ये पीछे या जो है, या है, ये तस्निया है। आप कहें तस्निया का नसब किसके साथ आता है? या। और उस हम या पर क्या कर रहे हैं? तलफुज कर रहे हैं, तो ये मनसूब लफ्जन है। आगे भाई। मीन जारा कुरैशिन मजरूर लफ्जन, शाबाश। कुरैशिन मजरूर लफ्जन, मजरूर क्यों? क्योंकि हर्फ जर दाखिल है। लफ्जन क्यों? इसके जर पर हम तलफुज कर रहे हैं, करके दिखाओ। कुरैशिन जी, समेटिए। अब जार मजरूर मुतालिक हुए किससे? अकरमतु से जी। जुड़ता है या नहीं? बाकी लफ्ज खत्म कर दो, यहां तो सिर्फ एक रजुलैन लफ्ज है, कभी और लफ्ज भी होते हैं, सबको खत्म कर दो। अकरमतु यह है मुतअल्लिक, और मिन कुरैशिन यह है मुतअल्लिक, इनको जरा अलग करो। अकरमतु मिन कुरैशिन, तर्जमा करो। मैंने इकराम किया कुरैश से, तर्जमा ठीक हो रहा है? नहीं मालूम हुआ, ये इससे नहीं जुड़ेगा जी। चलो महजूफ निकालो जी। जार मजरूर मिलकर मुतालिक हुए सबाता से, शाबाश। सबाता महजूफ निकाल लिया। आगे इसके अंदर जो हुआ जमीर वो लौट रही है, अकरम तो फेल क्या? फेल, याद रखो फेल की तरफ कभी जमीर नहीं लौटती, हर्फ की तरफ कभी जमीर नहीं लौटती। जिस चीज की तरफ जमीर लौटे समझ जाओ वो इसम है। ये नहवी हजरात के दलाइल में से एक दलील होती है। जब किसी चीज को उन्होंने इसम साबित करना हो और कुछ ना मिल रहा हो तो कहते हैं देखो यहां एक दलील जमीर क्या कर रही है, इसकी तरफ लौट रही है, मालूम हुआ ये क्या है? इसम है। तो फेल की तरफ भी कभी जमीर नहीं लौटती, हर्फ की तरफ भी कभी जमीर नहीं लौटती। आप बताइए क्या करेंगे? जार मजरूर मिलकर किससे मुतालिक?
साबितानी, शाबाश, जार मजरूर को साबितानी से मुतालिक आगे तरकीब करो, साबितानी आप करो, आप करो भाई, एराब सबसे पहले बोलो, शाबाश, साबितानी मरफू लफ्जन सीगा इसमें फाइल, जी आगे करते जाओ, शाबाश, एराब बोलो, हुमा जमीर मरफू महलन इसका फाइल, जी पहले तो ये बताओ, साबितानी मरफू लफ्जन सीगा इसमें फाइल, ये मरफू क्यों है? रफा बगैर आमिल के आ सकता है जी, वो तो हुमा फाइल है, ये साबितानी क्यों मरफू है? मैंने लफ्जन की वजह नहीं पूछी कि लफ्जन क्यों है, मैं कह रहा हूं मरफू क्यों है जी, हां वो क्या है फिर, इसको बनाना क्या है साबितानी को, सिफत बनाना है, और मौसूफ सिफत का एराब एक होता है, तो किसकी सिफत बनाओगे? रजुलैनी की, और वो मंसूब है तो ये भी क्या होना चाहिए, लिहाजा साबितानी नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? साबितैनी, शाबाश, कीजिए तरकीब भाई आगे, एराब बोलो, जार मजरूर फिर करो, जार मजरूर मिलकर मुतालिक साबितैनी सीगा इसमें फाइल से, साबितैनी एराब बोलो, सीगा इसमें फाइल, साबितैनी मंसूब लफ्जन सीगा इसमें फाइल, आगे मंसूब क्यों, सिफत है रजुलैन की, और वो मौसूफ सिफत का एराब एक होता है, मैंने आपको बताया था नकेरा के बाद जार मजरूर आ जाए, रजुलैनी नकेरा है मारिफा है जी, जमीर है इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, आलम है, अलिफ्लाम है, इस पर मारिफा बनिदा है, किसी एक की तरफ मुजाफ है इनमें से, देखा तो इस तरह पता चलाते हैं मारिफा का, फौरन भाई अपनी आदत बनाओ, मारिफा की पहचान आपको होती चली जाएगी, मारिफा सिर्फ 6-7 तो मारिफा है भाई, कोई ज्यादा तो नहीं है, फौरन देख ले उनमें से कोई है या नहीं है, आपको पता लग जाएगा ये मारिफा नहीं है भाई जी। तो नकेरा के बाद जार मजरूर आया, और नकेरा के बाद जार मजरूर आए और किसी से न जुड़ रहा हो तो वो उसके लिए क्या बनता है, सिफत, और सिफत भी आंखें बंद करके नहीं बनाना, माना में भी गौर करना है कि ये सिफत बनती है या नहीं, मौसूफ सिफत का तर्जमा करने का मैंने तरीका भी आपको सिखाया था कैसे करते हैं, वो भी फिर आपने देखना है यहां पर। तो साबितैनी मंसूब लफ्जान सिगा इसमें फाइल, इसके अंदर एराब बोलो, इसके अंदर हुमा जमीर मरफू महलन इसका फाइल, शाबाश, आगे ये जो लौट रही है रजुलैनी की तरफ, शाबाश, ये इन्होंने रबत दे दिया कि हुमा जमीर लौट रही है मौसूफ रजुलैन की तरफ, इसमें फाइल, अब समेटो भाई, इसमें फाइल, इसमें फाइल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर शिबे जुमला, शिबे जुमला होकर, हाँ इसमें फाइल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर शिबे जुमला होकर सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मफूल भी हुआ, किसके लिए, अकरम तो फेल के लिए, फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ, रवानी से पढ़ दो पूरे जुमले को, अकरम तो रजुलैनी मिन कुरैशिन, तर्जमा कीजिए, मैंने इकराम किया उन दो मर्दों का जो कुरैश थे, हाँ मैंने इकराम किया ऐसे दो आदमियों का जो कबीला कुरैश से हैं, यानी मैंने कुरैश के दो आदमियों का इकराम किया, तर्जमा समझ में आया, ऐसे दो आदमी रजुलैनी मिन कुरैशिन, देखो ये है मौसूफ सिफत, पहले तर्जमा करके देखो ये मौसूफ सिफत बनते हैं या नहीं, रजुलैनी मिन कुरैशिन, ऐसे दो आदमी जो कहां से हैं, कुरैश से हैं, जुड़ रहे हैं, देखा ये सिफत बन रही है, तर्जमा सही हो रहा है,
तरीका समझ में आ गया। आगे भाई लिखिए भाई, अकरम तो रिजाल रिजाल मिन कुरैश। तरकीब कीजिए भाई, जल्दी जल्दी कीजिए भाई। अकरम तो फेल बाफाइल, ताज़मीर मरफू महलन इसका फाइल। शाबाश, रिजालन मंसूब लफ्जान मौसूफ। एक तो तर्जमे पे गौर कर लें, अकरम तो मैंने इकराम किया, आगे रिजाल आया, मालूम हुआ वो क्या बनेगा, मफूल बनेगा, मैंने उनका क्या किया इकराम। तर्जमे पे गौर किया करो, और मफूल क्या होता है, मंसूब होता है। और वैसे भी मैंने बताया था कि फेल के आने के बाद जुमले में मरफू सिर्फ फाइल आता है, और अकरम तो के अंदर फाइल आ गया, आगे सिर्फ मंसूबात और मजरूरात आएंगे, और मजरूर तो दो ही हैं, तो ये रजुल मजरूर भी नहीं और मरफू भी नहीं, तो क्या रह गया, मंसूब है। तो रिजालन मंसूब लफजान मौसूफ। शाबाश, आपको कैसे पता चला ये मौसूफ है, नकेरा के बाद जार मजरूर आ रहा है और वो किसी से जुड़ नहीं रहा, तो वो इसी के लिए क्या बनेगा, सिफत मीन जारा कुरैशिन मजरूर लफ्जन, जार मजरूर मिलकर। शाबाश, जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक हुए साबितूना से, रिजाल जमा है इसलिए इन्होंने भी क्या सीगा निकाला, साबितून जमा का सीगा निकाला। बोलो तरकीब करो इसकी, साबितूना एराब बोलो। शाबाश, साबितूना मरफू लफ्जान सीगा इसमें फाइल, मरफू क्यों, सिफत है, और मौसिफत पर एराब वही आता है जो किस पर आए, मौसूफ पर। मौसूफ पर क्या एराब था, मौसूफ पर क्या एराब था, नसब था, तो इस पर रफा कैसे आ गया, हां हालत नस्बी में ले जाओ इसको, साबितूना नसब किसके साथ आता है, शाबाश, साबितूना नहीं बल्कि क्या निकालेंगे, साबितीना, साबितीना मंसूब लफ्जान सिगा इसमें फाइल, मंसूब क्यों, क्योंकि ये सिफत है और सिफत पर वही अराब आता है जो किस पर आता है, मौसूफ, मौसूफ मंसूब था तो ये भी मंसूब, तो मंसूब लफ्जान सिगा इसमें फाइल। आगे शाबाश, इसके अंदर हुम जमीर मरफू महलन इसका फाइल। शाबाश, ये इन्होंने रबत भी दे दिया कि हुम जमीर किसको लौट रही है, मौसूफ की तरफ यानी रिजाल की तरफ। आगे शाबाश, सीगा इसमें फाइल, अपने फाइल जो हुम जमीर है और मुतअल्लिक यानी मिन कुरैश, इनसे मिलकर शिबे जुमला होकर सिफत मौसूफ सिफत मिलकर मफूल बिही हुआ, अकरम तो फेल के लिए, अकरम तो फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। रवानी से पढ़ दो, अकरम तो रिजालन मिन कुरैशिन, तर्जमा कीजिए, मैंने इकराम किया ऐसे आदमियों का जो कबीला कुरैश से हैं। शाबाश, देखा ये कितनी मुश्किल तरकीब आप लोगों ने कर ली भाई। अच्छा, अगर यहां पर हम सिफत के सीगे के बजाय फेल निकालते फिर कैसे तरकीब होती, कल जुमला लिखवाया था अकरम तो रजुलन मिन कुरैश, अकरम तो रजुलन, वहां मिन कुरैश को किससे मुताल्लिक किया था, साबितन से। अगर फेल निकालें तो क्या निकालेंगे, साबाता, क्योंकि हमें हुआ जमीर चाहिए ना, रजुल एक है तो जमीर भी कौन सी चाहिए, हुआ, तो साबाता फेल निकालेंगे, साबाता फेल इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल, तवज्जो है कि नहीं, वही साबितुन की जगह क्या निकाल लो, साबाता। हां फर्क सिर्फ यह पड़ेगा
साबितुन अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर शिबे जुमला बनता था, और सबता जो है वो अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिफत बनेगा, क्या होकर। और साबितुन जब आप निकालते थे तो उस पर बाकायदा एराब भी नजर आता था, रजुलन साबितन मिन कुरैशिन, रजुलन साबितन मिन कुरैशिन, लेकिन सबता वहां एराब नजर नहीं आएगा, सबता मिन कुरैशिन। सबता फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर यह सिफत हुई किसकी, रजुल की। अब आपसे कोई कहे कि रजुल तो मनसूब है, सबता मिन कुरैशिन यह तो मनसूब नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे कि यह मनसूब है लेकिन यह मबनी है, इस पर एराब नजर, अगर साबितन निकाल लेते तो एराब नजर आता, साबितन देखो पढ़ रहा हूं या नहीं मैं नसब, और सबता वहां नसब नजर नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ फेल पर नसब नहीं आ रहा, यह पूरे जुमले सबता मिन कुरैशिन यह पूरे जुमले पर क्या है, नसब है, यह पूरा जुमला मनसूब है, और जुमला क्या होता है मबनी, क्या होता है, और मबनी पर एराब कौन सा आता है, महल। बोलते क्यों नहीं, क्यों खामोश बैठे, बोलते क्यों नहीं, मैं तकरार करवा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि आपकी जुबानों से अदा हो, आपकी जुबानों से अदा हो। तो सबता मिन कुरैशिन, आप पर कोई एतराज करता है क्या कहता है कि रजुलन मौसूफ तो है मनसूब, तो सबता मिन कुरैशिन इस पर तो नसब नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि ये पूरा जुमला सबता मिन कुरैशिन मनसूब है महल्लन, मनसूब है तो वो नसब इसलिए नहीं नजर आ रहा क्योंकि ये जुमला है, जुमले पर नसब आया, और जुमला क्या है मबनी है, और मबनी पर एराब कैसे आता है महल्लन। नीज सबता मिन कुरैशिन पूरा जुमला सिफत बना किसकी, रजुलन की, और रजुलन है नकेरा, और नकेरा की सिफत तो नकेरा ही बन सकती है, मालूम हुआ जुमला भी किसके हुक्म में होता है नकेरा। याद रखो जुमले के अंदर चाहे 10 मारिफा आ जाएं चाहे 20 मारिफा आ जाएं, लेकिन जब वो मिलजुल कर जुमला बन जाएगा तो अब वो क्या है नकेरा है, लिहाजा वो नकेरा ही की सिफत बन सकता है, मारिफा की सिफत नहीं बन सकता। दूसरी तरकीब जो आज हमने की, अकरमतु रजुलैनी मिन कुरैशिन, अकरमतु रजुलैनी मिन कुरैशिन, ये मिन कुरैश को किससे जोड़ा, साबितैनी, किससे जोड़ा, देखो रजुलैनी मनसूब था तो साबितैनी भी क्या है मनसूब, लेकिन अगर यहां आप फेल निकालते फिर कौन सा सीगा निकालते, सबता तस्निया का सीगा, सबता और सबता फेल और इसके अंदर अलिफ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल जो किसको लौट रही है, रजुलैन को, ये अलिफ कौन सी जमीर है, सबता, सबता कौन सा सीगा है वो बोल दिया करो, तस्निया मुजक्कर गाइब, तो सबता इसमें जो अलिफ है कौन सी जमीर है, वही थी सीगा, सीगे का नाम बोलोगे वो जमीर हो जाएगी, सबता में अलिफ कौन सी जमीर है, तस्निया मुजक्कर गायब की जमीर है, यानी ये वही हुमा है, वही हुमा है, लेकिन हुमा मुनफसिल है और ये क्या है मुत्तसिल है वही तस्निया मुजक्कर गायब, तो ये अलिफ क्या है तस्निया मुजक्कर गायब की जमीर, और ये किसको लौट रही है, रजुलैन को, और फेल अपने फाइल और मुतअल्लिक जो मिन कुरैश है उससे मिलकर जुमला फेलिया होकर सिफत हुई किसके लिए, रजुलैन, और रजुलैन मनसूब था तो ये सबता मिन कुरैशिन ये पूरा जुमला भी क्या है मनसूब है महल्लन। बात समझ में आ गई। तीसरी तरकीब जो आह की आपने, अकरमतु रिजालन मिन कुरैशिन, तो पहले आपने मिन कुरैशिन को किससे जोड़ा, साबितीना, अकरम तो रिजालन साबितीना मिन कुरैश, तवज्जो है, साबितीना के बजाय यहां अगर साबितीना, कौन सी जमीर लौटाई आपने, जमा मुजक्कर किसकी तरफ, रिजाल, और जमा बतावीले जमातुन किसके हुक्म में है, वाहिद मुअन्नस, लिहाजा वाहिद मुअन्नस की जमीर भी लौटा सकते हो यहां, और क्या निकाल लो, साबितीना ना निकालो बल्कि क्या निकालो, फेल नहीं इसमें फाइल ही निकालो,
जिसमें वाहिद मुअन्नस की जमीर हो, साबितातुन, क्या लेकिन मंसूब होनी चाहिए क्योंकि मौसूफ क्या है, तो सिफत का सीगा भी क्या निकालो, मंसूब, तो साबितातन यहां निकालो, रिजालन साबितातन मीन कुरैशी, और साबितातन के अंदर कौन सी जमीर, हिया जमीर, जो किसको राजे, रिजाल को। अगर कोई एतराज करे वो तो जमा है, ये वाहिद मुअन्नस है, तो आप जवाब में क्या कहेंगे कि रिजाल जमा है, और जमा बतावील जमातुन किसके हुक्म में, वाहिद मुअन्नस। देखो जमा के अंदर कम अज कम तीन अफराद होते हैं, तीन होंगे तो जमा है, जब तीन अफराद हो गए तो एक जमात बन गई या नहीं, तो जो भी जमा है वो क्या है, जमात है, और जमात क्या है, वाहिद मुअन्नस, उसके आखिर में गोलता है अरबी के अंदर। भाई बात समझ में आई, उर्दू में तो जमात का लफ्ज आप लंबी ता से लिखते हैं लेकिन अरबी में गोलता, और गोलता वाहिद मुअन्नस की अलामत है। तो गोया यहां दो तरकीबें आ गई आपको, और तरकीब तो गोया एक ही है जो महजूफ आप निकाल रहे हैं, अकरम तो रिजालन साबितीना मीन कुरैशी, दूसरे तरीका अकरम तो रिजालन साबितातन मीन कुरैशीन। अब जरा फेल निकाल लो, फेल भी उसी तरह आप कर सकते हैं, आप चाहें तो जमा की जमीर लौटाएं, आप चाहें तो वाहिद मुअन्नस की जमीर लौटाएं। अगर आप जमा की जमीर लौटाना चाहते हैं तो कौन सा फेल निकालेंगे, सबतू, सबतू, सबतू फेल, इसके अंदर वो जमीर मरफू महल्लन, इसका फाइल जो किसको लौट रही है, रिजाल को, ये कौन सी जमीर है, जमा मुजक्कर गायब, वो सीगा बोल दिया करें बस वही जमीर होती है उसमें, जमा मुजक्कर गायब, तो सबतू फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ये सिफत, और मौसूफ सिफत मिलकर, तो फिर कोई आप पर इश्काल करता है कि रिजालन ये तो मंसूब है और सबातू मिन कुरैशिन, इसमें तो नसब नहीं नजर आ रहा, तो आप जवाब में क्या कहेंगे कि ये मंसूब है महलन, क्योंकि ये क्या है, मबनी है, जुमला है, जुमला है। और दूसरी सूरत क्या है, अब तो आपने फेल निकाल ली, फेल निकाला सबातू, और आप चाहें तो कौन सी जमीर लौटा सकते हैं, वाहिद मुअन्नस, तो वाहिद मुअन्नस जमीर वाला फेल ले आए, क्या कहेंगे, सबतत, अकरम तो रिजालन सबतत मीन कुरैशिन, सबतत, सबतत फेल, इसके अंदर हिया जमीर मरफू महल्लन, इसका फाइल जो किसको राजे, रिजाल को, किस तावील में, जमातुन की तावील में, तो फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिफर, तरीका समझ में आ गया, तो फेल अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर जुमला बनता है, और सिफत के सीगे अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर शिबे जुमला, और सिफत के सीगे निकालोगे तो उन पर एराब भी दिखाना पड़ेगा आपको, जैसे अभी आपने साबितन या साबितातन या साबितीना या साबितैनी मंसूब निकाले, और अगर फेल निकालते हैं तो फिर एराब जाहिर नहीं होगा क्योंकि फेल जुमला बनेगा और जुमला क्या होता है, मबनी। बात समझ में आ गई, तो अकरम तो रिजालन, अकरम तो रिजालन सबतू मिन कुरैशिन, ये सबतू मिन कुरैशिन ये पूरा जुमला मंसूब है, ये पूरा जुमला मंसूब है, इसका कोई एक जुज नहीं मंसूब के फिर उस पर हमें नसब नजर आ जाए, बल्कि पूरा जुमला मंसूब है। अगला जुमला लिखिए भाई, तरकीब कीजिए, अज़ैदान, अज़ैदानी, जैद की तस्निया क्या है, जैदान, जमा क्या है, जैदूना, लेकिन जैद एक था तो मारिफा था, जैदानी तस्निया ले आए, मालूम हुआ एक से ज्यादा हैं, तो ये नकेरा बन गया, क्या बन गया, मारिफा किसे कहते हैं, जो किसी मुअय्यन जात पर दलालत करे, क्या करे, मुअय्यन जात पर दलालत करे, तो जब इसको हम तस्निया या जमा बनाते हैं तो ये नकेरा बन जाता है, मालूम हो कोई मुअय्यन जात नहीं है, एक से ज्यादा जैद हैं,
तो फिर दोबारा उसको मारिफा बनाने के लिए हम उस पर अलिफ लाम दाखिल करते हैं, इसीलिए अज़ज़ैदानी मैंने कहा। बात समझ में आ गई? तो सिर्फ ज़ैदानी नहीं कहना, वरना वो क्या बन जाएगा? नकेरा बन जाएगा। जी लिख लिया, अज़ज़ैदानी अल आलिमानी यमशियानी, यमशियानी मशा, यमशी का माना होता है चलना, अपने पांव पर चलना। यमशियानी फिस सूक फी असूक, काफ दो नुक्तों वाला है, सूक बाजार को कहते हैं असूक। एक एक लफ्ज का मैंने माना आपको बता दिया, कुछ लफ्जों का माना आपको इलम है, कुछ मैंने बतला दिया, आप जरा जुमले पे गौर करें, कुछ तर्जमा जहन में समझ में आ रहा है आपको? तर्जमा समझ में आ रहा है? जब बस तर्जमा जब समझ में आ रहा है, इसका मतलब है अब आप तरकीब कर सकते हैं। चलिए भाई आप तरकीब कीजिए भाई। अज़ज़ैदानी मरफू लफ्जान मुब्तदा, शाबाश। मरफू क्यों? मरफू क्यों? मुब्तदा है। लफ्जान क्यों? इसके रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं। अज़ज़ैदानी, मैं तो नून के नीचे जेर पढ़ रहा हूं, ये इसकी हरकत है, तो एराब क्या है? अलिफ है, शाबाश। तस्निया का रफा अलिफ के साथ आता है और हम उस पर तलफुज कर रहे हैं। जी आगे, मौसूफ अल आलिमानी मरफू लफ्जन मौसूफ। मरफू क्यों? क्योंकि खबर, खबर है। लफ्जन क्यों? इसके रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं। मौसूफ, आपको कैसे पता चला ये मौसूफ है? अल आलिमानी मारिफा है, नकेरा है, मारिफा, और मारिफा के बाद फेल आ रहा है, तो मारिफा के बाद फेल आए वो उसके लिए सिफत बनता है। मैंने क्या बताया था? नकेरा के बाद फेल आए तो वो उसके लिए क्या बनता है? सिफत। तो ये तो मारिफा के बाद फेल आ रहा है। आप कीजिए तरकीब भाई। अज़ज़ैदानी मरफू लफ्जान मौसूफ। मौसूफ आपको कैसे पता चला ये मौसूफ है? हां, मारिफा के बाद मारिफा आ रहा है तो ये अमूमन क्या बनते हैं? मौसूफ सिफत। और मैंने ये भी बताया था, आंखें बंद करके मौसूफ सिफत नहीं बनाना, बल्कि माना में भी गौर करना है। अच्छा, तो ये मौसूफ। आगे अल आलिमानी, अल आलिमानी मरफू लफ्जान सिफत। हां भाई ये तरकीब ठीक कर रहे हैं। हां, इसमें फाइल का सीगा है, तरकीब तो बाकी ठीक कर रहे हैं, सिफत बना रहे हैं, लेकिन पूरी तरकीब होनी चाहिए। जैसे जराबा जब भी आए आप किसको तलाश करते हैं? फाइल को। तो यहां भी सिफत का सीगा आ गया, उसकी पूरी तरकीब करनी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत जगह आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। जब आप सिफत के सीगे के लिए भी फाइल या नई फाइल तलाश करेंगे तो अक्सर जगह आप देखेंगे मुश्किल से मुश्किल तरकीब भी आप आराम से हल कर लेते हैं। अल आलिमानी मरफू लफ्जान सीगा इसमें फाइल। जी इसके अंदर हुमा जमीर एराब बोलो, मरफू महलन इसका फाइल। आगे ये जमीर लौट रही है अज़ज़ैदानी की तरफ, शाबाश। याद रखो, यहां आपको एक और कीमती बात बतलाऊं, कीमती बात। सबसे पहले तो ये याद रखें, अलिफ लाम की किस्में भाई। मैंने बतलाया था सिफत के सीगे पर जो अलिफ लाम आए, यानी इसमें फाइल और इसमें मफूल पर, इसमें फाइल और इसमें मफूल पर जो अलिफ लाम आता है वो दरअसल अलिफ लाम इस्मी है, वो इसमें मौसूल है। वो क्या है? इसमें मौसूल है। और सूरत अलिफ लाम हर्फ जैसी है, लेकिन दरअसल क्या है? इसमें मौसूल।
मैंने बतलाया था मिसाल गुजरी थी भाई तरकीब में, अज़ारिब किस माना में, अल्लदी यज़रिबु, और अल मज़रूब किस माना में, अल्लदी युज़रबु। तो अल आलिमानी ये भी क्या है, इसमें फाइल, और इस पर क्या आया अलिफ्लाम, मालूम हुआ ये अलिफ्लाम क्या है, इसमें मौसूल, ये इसमें मौसूल है, और ये सिफत है अज़ैदानी की, ये अलिफ्लाम क्या है और इस सिफत का क्या इराब होता है, तो अज़ैदानी मरफू, तो ये अलिफ्लाम भी क्या है, मरफू महलन। लेकिन चूंकि ये हर्फ की सूरत में है इसलिए इसका रफा आगे आलिमान पर जाहिर हुआ, आलिमान इसका सिला है, और जो सिला होता है ला महल लहू मिन अल इराब, उसका कोई महल इराब नहीं होता, सिला जो होता है उसका कोई महल, इसमें मौसूल मारिफा है, मबनियात में से है, और मबनी का इराब कैसे आता है, महल। तो यहां अल आलिमानी, इसको या तो यूं कर लें कि इसको खोल लें कि ये अल आलिमान बमाने अल्लदी अल्लदानी, तस्निया निकालो ना, अल्लजानी अल्लजानी अज़ैदानी है ना, तो अल्लजानी निकालेंगे, और सिला क्या निकालेंगे, सिला में भी तस्निया की जमीर चाहिए, आलिमा या अलमू या अलमानी, अल्लदानी या अलमानी, तो अल आलिमान किस माना में हुआ, अल्लदानी या अलमान, और फिर ये अल्लाजानी क्या है, मरफू महलन इसमें मौसूल, मरफू महलन इसमें मौसूल, मरफू क्यों, क्योंकि सिफत है, सिफत मौसूफ का इराब एक जय होता है, और आगे यालमानी ये फेले मुजारे है, और ये भी मरफू है, मरफू है, लेकिन इस वजह से नहीं कि यह सिला होने की वजह से मरफू है, फेल मुजारे का एराब ही यह है कि जब उस पर कोई नसब या जजम देने वाला आमिल ना हो तो वो क्या होता है, मरफू होता है, सिला होने की वजह से मरफू नहीं है, बल्कि नासिब और जाजिम से खाली होने की वजह से यह क्या है, मरफू है। और फिर यालमानी फेल, इसके अंदर अलिफ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल, यह अलिफ जमीर है, सिफत के सिगों में ये अलिफ क्या होता है, तस्निया और जमा की अलामतें होती हैं अलिफ और वाव, और फेल के अंदर अलिफ क्या होता है, जमीर, तो ये अलमानी में अलिफ जमीर, एराब बोलो, मरफू महलन इसका फाइल, जो किसको लौट रही है, अज़ैदान, ये अलमानी में अलिफ कौन सी जमीर है, सिगा बोलो, या अलमानी तस्निया मुजक्कर गायब, यह तस्निया मुजक्कर गायब की जमीर है, और पीछे अल्लाजानी भी क्या है, तस्निया मुजक्कर है, बात समझ में आ गई, तो यह उसकी तरफ जमीर लौटा दी। फिर यह अलमानी फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर यह सिला, और यह जो पूरा जुमला है इसका ला महल लहू मिनल एराब, इसका कोई महल एराब नहीं है, बात समझ भी आ रही है, तो ये सिला हुआ मौसूल का, मौसूल सिला मिलकर ये सिफत हुई किसके लिए, अज़ैदानी के लिए, मौसूफ सिफत मिलकर मुबतदा, मुबतदा, तरीका समझ में आ गया, या सीधा सीधा यूं कर दो मुख्तसर तरकीब, अज़ैदानी मरफू लफ्ज़न मुबतदा, अल आलिमानी में अल इसमें मौसूल है मरफू महलन क्योंकि यह सिफत है किसकी, अज़ैदानी, और आलिमानी ये इसका सिला, इसके अंदर हुमा ज़मीर इस जो इस अलिफ्लाम को राजे, तवज्जो है, मौसूल सिला मिलकर ये सिफत किसकी, अज़ैदानी मुब्तदा की, तरीका समझ में आया, फिर समझ लो, अज़ैदानी मरफू लफ्ज़ान मुब्तदा, आगे अल आलिमानी उसकी सिफत है लेकिन वो कौन सा सिगा है, सिफत का, और सिफत के सिगे पर जो अलिफ्लाम आए वो क्या होता है, इसमें मौसूल, लिहाजा यूं कहेंगे अल आलिमानी में अलिफ्लाम क्या है, मरफू महलन इसमें मौसूल, आलिमानी ये भी मरफू है ना, आलिमानी वरना आलिमैनी होता, ये क्यों मरफू है, मैंने वजह बता दी कि इसमें मौसूल किस शक्ल में आया है, अलिफ्लाम, और अलिफ्लाम तो दरअसल हर्फ होता है,
तो ये हर्फ की सूरत में अलिफ लाम इसमें मौसूल आ गया, लिहाजा इसी का एराब मुंतकिल हो गया किसकी तरफ, आलिमानी की तरफ। बात समझ में आ गई, यानी सिले पर आकर जाहिर हो गया इसका एराब, क्योंकि ये खुद किस शक्ल में है, हर्फ की शक्ल में है। बात समझ में आ गई। फिर सुनो, अज़ैदानी मरफूल अफजान मौसूफ, अल आलिमानी में अलिफ्लाम मरफू महल्लान इसमें मौसूल, आलिमानी मरफू लफजान सिगा इसमें फाइल, इसके अंदर हुमा जमीर मरफू महल्लान इसका फाइल जो किसको राजे, हाँ सिले को मौसूल से जोड़ते हैं, तो ये जमीर किसको राजे, अलिफ्लाम को, तो सिगा सिफत अपने फाइल से मिलकर ये शिबे जुमला होकर सिला मौसूल सिला मिलकर सिफत सिफत मौसूल सिला मिलकर सिफत और मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा। तरकीब समझ में आ गई भाई। फिर इसमें एक और तफसील याद रखें, एक और तफसील। उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं कि इसमें फाइल और इसमें मफूल पर जो अलिफ लाम आए वो क्या होता है, इस्मी, लेकिन शर्त यह है कि वो इसमें फाइल या इसमें मफूल जो है हुदूस और तजद्दुद के माना में होना चाहिए, सुबूत के माना में वो सिफत ना हो। किस माना में हो, हुदूस और तजद्दुद के माना में हो, सुबूत के माना में ना हो। अगर हुदूस और तजद्दुद का माना है तो फिर अलिफ लाम इस्मी है, और अगर सुबूत वाला माना है तो फिर अलिफ लाम हर्फी है। फिर दोहराओ, अगर वो सिफत क्या हो, यूं का हुदूस पे दलालत कर रही हो तो वो क्या है, अलिफ लाम इस्मी, और अगर वो सुबूत पर दलालत कर रही है फिर अलिफ लाम हर्फी ही है, फिर इस्मी नहीं है। देखो सिफतें दो किस्म पर होती हैं, एक वो सिफत जिसमें एक चीज का होना पाया जाए, पहले नहीं थी फिर हुई फिर गुजर गई, जैसे जराबा, जराबा क्या माना, जर पहले नहीं थी, जरब ज़ैदुन, जर पहले नहीं थी फिर जैद ने जरब लगाई और फिर गुजर गई। बात समझ में आ गई। और एक सिफत वो सुबूत के माना में होती है, आलिमा ज़ैदुन, जैद ने जान लिया, मालूम हो ये इलम अब उसके लिए साबित है, पहले नहीं जानता था जान लिया, खत्म हो गई या है अब भी वो जानता है भाई। या यूं दूसरी मिसाल ले लो, जारिब किसे कहते हैं, जो पिटाई कर रहा है और पिटाई रोक देगा तो वो जारिब नहीं। आलिम किसे कहते हैं, जो जानने वाला है, और ये इलम उससे जुदा होता है कि आया फिर गुजर गया खत्म हो गया नहीं। बात समझ में आ गई। तो ये आलिम इलम जो है ये सिफत कौन सी है, सुबूत पे दलालत करती है, और जर्ब किस पे दलालत करता है, हुदूस, हुदूस और तजद्दुद का माना होना, एक चीज हो और पहले नहीं थी हुई और फिर गुजर गई। तो जारिब वो है जिसने पिटाई की, पहले नहीं थी उसने पिटाई की और फिर पिटाई गुजर गई, और आलिम वो है जो जानने वाला है, और ये इलम उस, ये सिफत उससे जुदा होती है या उसके साथ साबित रहती है, साबित रहती है। तो देखा ये सिफत किस माने में हुई, सुबूत के माने। बात समझ में आ गई। तो अल आलिमानी, अब ये किस माने में हुआ, हुदूस या सुबूत, सुबूत सुबूत, और सुबूत के माना में सिफत हो तो अलिफ्लाम हर्फी ही है। अज जारिब किस माना में था, अल्लजी यजरिब, लेकिन अल आलिम इस माना में नहीं है, तवज्जो है। लिहाजा अब वो दूसरी तरकीब करो जो यहां उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं, अज़ैदानी मरफू लफजान मौसूफ, अल आलिमानी में, अल आलिमानी मरफ, अब इसमें मौसूल नहीं है, यह अलिफ्लाम हर्फ है, अल आलिमानी मरफू लफजान सिगा इसमें फाइल, इसके अंदर हुमा जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल जो किसको लौट रही है, अज़ैदानी, अब वो अलिफ्लाम इस्मी नहीं है, अलिफ्लाम हर्फ है, और हर्फ की तरफ जमीर लौटती है नहीं लौटती, तो अब जमीर लौटा दो किसकी तरफ, फर्क समझ में आया। तो अगर यहां होता अज़ारिबानी फिर तो वह हमारी पहली तरकीब थी,
और अब यहां पर है अल आलिमानी, तो अब यहां अलिफ लाम को अलग से उसका एराब वगैरह निकालने की जरूरत नहीं। तरीका समझ में आ गया? फिर सुन लो, अजैदानी मरफू लफजान मौसूफ, अल आलिमानी मरफू लफजान सीगा इसमें फाइल, इसके अंदर हुमा जमीर मरफू महल्लन, इसका फाइल जो किसको लौट रही है? जैदानी मौसूफ को। इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा। आगे कीजिए भाई तरकीब, यमशियानी यमशियानी शाबाश फेल बा फाइल, अब फाइल भी बता दो शाबाश। फेल में जो अलिफ और वाव आते हैं वो जमीरें होती हैं, सिफत के सिगों में वो अलामतें हैं बस। तो ये अलिफ मरफू लफजन इसका फाइल, ये कौन सी जमीर है? तस्निया मुजक्कर गायब की। जी शाबाश, शाबाश जो लौट रही है किसको? मुब्तदा। और जमीर मर्जा में मुताबकत है वो भी तस्निया मुजक्कर, ये भी तस्निया मुजक्कर। जी आगे फी जारा असूक मजरूर लफजन, मजरूर क्यों? फी जारा दाखिल है, लफजन क्यों? इसके जर पर हम तलफूज कर रहे हैं, करके दिखाओ। अस्सूकी। जी शाबाश, समेटिए भाई। जार मजरूर मिलकर मुतालिक यमशियानी, जार मजरूर को ये जोड़ रहे हैं यमशियानी से, यमशियानी से। भाई इस जुमले में उन आठ चीजों में से कोई चीजें हैं? क्या क्या हैं? फेल है और इसमें फाइल भी है, इसमें इन्होंने जोड़ा इसको यमशियानी से। आप बताइए किससे जुड़ेगा? जी अल आलिमानी से जोड़ो जरा, बाकी लफ्जों को खत्म कर दो, मुताल्लिक और मुताल्लक को निकाल लो। किसको जोड़ा? फिसूक को। और किससे जोड़ा? अल आलिमान से। जरा इनको अलग करके ले आए। अल आलिमानी फिसूक, वो आलिम है बाजार में, वो आलिम है। हां भाई, एक शख्स बाजार में आलिम हो और बाजार के अलावा आलिम ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं मालूम हुआ ये फिसूक अल आलिमानी से नहीं जुड़ सकता, वरना तो क्या खराबी लाजिम आएगी कि बाजार उसके आलिम होने के लिए जगह बन गई कि वहां पर आलिम है और जगह पर आलिम नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं, जो आलिम है वो हर जगह पर आलिम है। तो अल आलिमानी फिसूक ये दुरुस्त नहीं होता। दूसरा इन्होंने किससे कहा? यमशियानी, उसे भी जोड़कर देख लेते हैं। यमशियानी फिसूक, बाकी लफ्जों को खत्म कर दिया, यमशियानी वो दोनों चल रहे हैं फिसूक बाजार में, जुड़ रहा है? हां ये जुड़ रहा है, यमशियानी फिसूक वो दोनों चल रहे हैं बाजार में। जी तो जार मजरूर मिलकर मुतालिक हुआ यमशियानी से, समेटिए अब। शाबाश, यमशियानी फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर। रबत दिया था आपने? हां रबत इन्होंने बता दिया था, वरना जुमला वैसे खबर नहीं बन सकता था। तो मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबर यह हुआ। रवानी से पढ़ो भाई। الزيدان العالمان يمشيان في السوق, तर्जमा कीजिए। वो दोनों आलिम जैद चल रहे थे बाजार में, वो दोनों आलिम जैद चल रहे हैं फिर सूक बाजार में, वो दोनों आलिम जैद, यह है मुब्तदा और खबर, चल रहे हैं बाजार में। देखा किसके बारे में बात की? वो जो दो आलिम जैद हैं, और क्या बात की? कि वो बाजार में चल रहे हैं। देखा मुब्तदा खबर, आप खुद भी गौर कर लें तो किसके बारे, जिसके बारे में बात की जाए वो क्या है? मुब्तदा, और जो बात की जाए वो है खबर। जी कल आपने एक जुमला किया था, इश्तराई तो हाजिही दारा मिन ज़ैदिन, मैंने ये घर खरीदा किससे? ज़ैद से। जी आज अगला जुमला लिखिए, बिअतु बेअतु हादिहिदार मिन ज़ैद। चलिए भाई तरकीब कीजिए भाई। शाबाश,
بعتو فعل با فاعل آگے فاعل بھی بتاؤ. تازمیر مرفوع محلا تازمیر مرفوع محلا فاعل. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. محلا کیوں؟ ضمیر ہے. جی حاضری منصوب لفظا موصوف. شاباش. حاضری منصوب لفظا موصوف. منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہے. شاباش. لفظن کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ. جی کدھر ہے نصب؟ آپ بتائیے بھائی. منصوب محلن. بھائی کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو. بھائی کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو. مبنیات تین تو میں نے کہا ہر وقت ذہن میں ہو. اس میں اشارہ, اس میں موصول اور ضمیر ہے. اس میں اشارہ, بلکہ یوں کو تمام ضمیریں, اس میں اشارہ اور اس میں موصول. یہ تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس میں تو غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. جی منصوب محلن موصوف. شاباش. ہاں ہی منصوب محلن موصوف. منصوب کیوں؟ منصوب کیوں؟ کیونکہ مفعول بھی ہے. محلن کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے. شاباش. جی آگے موصوف. آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے؟ ہاں معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے, اس لیے یہ پہلا موصوف بنے گا اور بعد والا صفت. شاباش. آگے دار منصوب لفظا صفت. شاباش. منصوب لفظا صفت. منصوب کیوں؟ کیونکہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. جی لفظن کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ. الدار. شاباش. موصوف صفت مل کر جو پہلا والا بتایا تھا وہی تو ہے. پہلا قہازی ہی منصوب کیوں تھا؟ مفعول بھی ہی بن رہا تھا. تو اب موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہی بن جائیں گے. موصوف صفت مل کر مفعول بھی. شاباش. موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہی ہوا. من جارا زیدن مجرور لفظن. شاباش. جار مجرور مل کر متعلق ہوا بیعتو. جار مجرور متعلق ہوا بیعتو سے. تو جار مجرور ہوا متعلق اور بیعتو ہوا متعلق. جی بھائی یہ جڑتے ہیں آپس میں. بیعتو من زیدن. بیعتو کیا ترجمہ؟ میں نے بیچا. من زیدن زید سے جڑ رہا ہے. پھر ہاں یہاں یہ اسی سے جڑے گا. من زیدن بیعتو سے ہی جڑے گا. میں نے بتایا تھا اکثر جگہ ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسے جڑ رہا ہے یا, لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہو رہا اردو کے اعتبار سے, لیکن وہ جڑ اسی سے رہا ہے. عربی میں وہ استعمال اسی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بیعتو کے ساتھ عربی میں من استعمال ہوتا ہے. اشتریت من زیدن کیا ترجمہ تھا؟ میں نے زید سے خریدا. اور بیعتو من زیدن کا ترجمہ ہوگا میں نے زید کے ہاتھ بیچا. وہ جو دوسرا شخص جس سے آپ معاملہ کرتے ہیں اس پر من داخل کرتے ہیں. اشتریت میں من استعمال ہوتا ہے, اس لیے بیعتو میں بھی من استعمال ہوتا ہے. میں نے خریدا. کس سے خریدا؟ زید سے. تو زید پر کیا لائیں گے؟ من. اور میں نے بیچا. کس کے ہاتھ بیچا؟ زید کے ہاتھ. تو زید پر کیا لائیں گے؟ من. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ اسی سے جڑے گا اگرچہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہو رہا اردو کے اعتبار سے, لیکن ہر زبان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جو کچھ عربی میں ہے اردو میں بھی اسی کے مطابق ہر چیز ہو. نہیں, اردو کا اپنا انداز ہے, عربی کا اپنا انداز ہے بھائی. تو من زیدین کو کس سے جوڑا آپ نے؟ بیعتو سے. شاباش. ترجمہ کریں. بیعتو من زیدین. بھائی دیکھو اردو میں عموماً بولتے ہیں ایک چیز, میں نے یہ کتاب زید کو بیچ دی. میں نے یہ کتاب زید کو بیچ دی. لیکن یہ کو لے کر آؤ گے تو کئی جگہ اشتباہ پڑ جاتا ہے, لہذا کو نہ لاؤ.
यूं कहो मैंने जैद के हाथ बेची, ये चीज मैंने के हाथ बेची, क्योंकि ये को मफूल पर भी दाखिल होता है, मबीए पर भी। मैंने किताब को बेचा, किताब पर भी क्या आया को, और मैंने जैद को बेचा, मैंने क्या माना, जैद को उठाकर बेच दिया या कोई चीज है, उस चीज को तो मैंने जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतना बता रहा हूं। मसलन वो कलम है, वो कलम मैंने किसको बेचा, तो मैं सिर्फ यूं कहूंगा मैंने जैद को बेचा, तवज्जो है, कलम मैंने बेचा है, लेकिन मैं कलम को जिक्र नहीं करता, क्या कहता हूं आपसे, साथी पूछता है भाई कलम आपने किसको बेचा, आप कहते हैं मैंने जैद को बेचा, तो बजाहिर यूं लगता है मैंने जैद को बेचा कि आपने जैद को ही उठाकर क्या कर दिया आगे किसी के हाथ, क्योंकि ये को तो किताब पर भी दाखिल, मैंने कलम को बेचा, मैंने किताब को बेचा, तो को का लफ्ज ना लाए वहां, बल्कि मैंने जैद के हाथ बेचा। अब इसमें किसी किस्म का इश्तेबा नहीं, मैंने कलम जैद के हाथ बेचा, कलम जैद के हाथ फरोख्त किया, या यूं कहो पर ले आओ, पर ले आओ, मैंने जैद पर बेचा, मैंने कलम जैद पर बेचा। जी तुजार मजरूर मिलकर बियातु से मुतालिक, बियातु फेल अपने फाइल और मफूल बिही और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। रवानी से पढ़ दो पूरा जुमला, बियातु हादिही दारा मिन ज़ैदिन, एक एक लफ्ज का इराब आपने निकाल लिया, बस उसको रवानी से पढ़ दें। तर्जमा कीजिए, मैंने बेचा ये घर मिन ज़ैदिन जैद पर, या मैंने बेचा ये घर जैद के हाथ पर, मैंने बेचा ये घर जैद के हाथ। तरीका समझ में आ गया, चलिए बस करें भाई, बात समझ में आ गई अच्छी तरह, चलिए बस भाई। हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।